हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखो कितनी प्यारी बात की गई है, व्हेन आई वाज अ कॉम्प्लेनिंग गॉड, मतलब मैं क्या होता है जब हम गॉड से कोई ना कोई कंप्लेन करते हैं, तो ठीक है, अबाउट स्ट्रगल इन लाइफ, बिना संघर्ष किए हुए, देन आई सा दिस किड, मतलब इस किड को देखो, स्ट्रगल्स हु वॉक्स डेली टू रिच स्कूल लाइक दिस, मतलब ये जो बच्चा है, ठीक है, ये क्या करता है कि डेली स्कूल जाता है, देखो इसके पैर मतलब खड़ा नहीं हो पाता है, फिर भी इस कंडीशन में जाता है स्कूल। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से या फिर गॉड से, सॉरी गवर्नमेंट कह रहे हैं, गॉड से प्रेयर करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमें आज के बाद ना एक्सक्यूज नहीं निकालने, ओनली मेहनत करनी है। तो देखो गाइज, अब चलो ये कितनी प्यारी बात की, इसी के साथ जो हमारा बैच है वो 500 में आपको लाइव क्लासेस देगा, लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस सब अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपकी फुल्ली प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। 500 पर मंथ है, इसमें करंट अफेयर्स, अब देखो कुछ लोग इसमें 500 देने में भी वो हो रहे हैं, तो देखो भाई 500 कुछ ज़्यादा नहीं है, 500 आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर जो आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे ना दूसरे चैनल पे जाके, तो 6,000 लेते हैं पर मंथ, भाई मैं 500 ले रहा हूँ, ठीक है। 500 अगर जो आपको 500 में अगर जो क्लास नहीं समझ में आएगी अच्छे से, तो आप वो पैसे भी रिटर्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना अच्छी बात बोली गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ एशिया पैसिफिक कौन सा एग्रीमेंट फॉलो करता है? इट इज़ द फ्रीडम एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द बेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, बताइए। आपको ये घर से होमवर्क के लिए वर्क है, आपको आंसर देना है, ठीक है। इट इज़ अ प्रीवियसली नोन एज द ढाका एग्रीमेंट, ठीक है। इन करेंट अफेयर बांग्लादेश चाइना रिपब्लिक कोरियाज, विच इज़ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? हु रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंसीडर फॉलोइंग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इन 1989। अब देखो G7 समिट इन पेरिस, G7 जो अभी पेरिस में हुई थी क्या, तो G7 समिट में आपको ये भी बताना है कि G7 समिट में कौन कौन सी कंट्री है और G11 में कौन कौन सी कंट्री भाग ले रही है। तो ये अभी पोल्ट हो गई है, मतलब ये बढ़ा दी गई है USA के द्वारा, ये अब जो जून में होनी थी अब ये आपकी सितंबर में होगी जाके G7 समिट, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव आपको ये आंसर का अच्छे से रिप्लाई देना है, ठीक है, फिर मैं कल, अगर जो जिसने जल्दी आंसर रिप्लाई दे दिया उसकी कल फोटो लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारी करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंगटांड, तो देखो अंगटांड क्या है, संयुक्त राष्ट्र, ये जो अंगटांड है अभी हाल ही में रिपोर्ट में आया कि जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो डाटा रिलीज होता है, जो डाटा रिलीज होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR द्वारा, ठीक है, WIR द्वारा। तो FDI में 20% ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, 2019 में इंडिया की जो थी कम थी, मतलब 2019 में कितनी 20% देखने को मिली है, 51% थी टोटल 2019 में, ठीक है। अब ये देखो ट्रेड डेवलपमेंट, ये भी आपके यही डाटा WI वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बैंक डाटा रिलीज करता है, इसका भी द लिस्ट ऑफ इसका भी रिलीज करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका यही क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, डाटा रिलीज करता है, ठीक है। स्थापना जो इसकी हुई थी वो हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी फाउंडेड 30 दिसंबर 1964 को, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, सेक्रेटरी जनरल इसके हैं मक्सीस खिटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अ पॉलिसी, तो देखो क्या बोला जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, तो NPIPF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। देखो राष्ट्रीय लोक वित्त और राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संगठन NIPPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देखो अब ये किसे नियुक्त किया गया, तो अब देखो बात कर लेते हैं उर्जित पटेल साहब को, तो उर्जित पटेल साहब जो RBI के फॉर्मर गवर्नर भी हैं, ठीक है, उर्जित पटेल साहब को अभी ये नियुक्त किया दिया गया, NIPF के अध्यक्ष बने हैं। शक्तिकांत दास ये जो RBI के 25th नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है, RBI के गवर्नर। फिर आपके BP कानून को
और ये महेश कुमार जैन और ये एमडी पात्रा, ये तीनों आपके क्या हैं, तो ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई के क्या, डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डे इज ऑब्जर्व द ऑस्टिफिक प्राइड डे, किस दिन ऑस्टिफिक प्राइड डे मनाया जाता है, तो ये 18 जून को मनाया जाता है। अब देखो 17 जून को क्या होता है, 17 जून को आपको होता है वर्ल्ड, सॉरी 15 जून वर्ल्ड विंड डे। 12 जून को क्या होता है, 12 जून को होता है वर्ल्ड अगेंस्ट डे चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड अगेंस्ट डे चाइल्ड लेबर डे, ठीक है। 13 जून को होता है इंटरनेशनल अल्बेजेनिम अवेयरनेस डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इसका देखो, अब इसके दो, आप लोग ये बोलोगे योगा एट होम, योगा विद फैमिली, लेकिन इसके दोनों देखो ऑप्शन बड़े मतलब कंफ्यूजन वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जब अगर जो इंटरनेशनल पूछे, तो इंटरनेशनल जो इसकी थीम रही है, तो इसकी थीम रही है इंटरनेशनल योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, अंतर इंटरनेशनल ये रही है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। लेकिन जो अपने देश की रही है, मतलब अपने देश की, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आई है, तो ये रही है योगा एट होम, योगा विद फैमिली, ठीक है, जो अपने देश की थीम रही है, ठीक है। ये श्रीपद नायक देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष श्रीपद नायक देख रहे हैं, नॉर्थ गोवा के निर्वाचन क्षेत्र से हैं। अब देखो सेफ फ्लूड सेव लाइफ, ये मतलब किसकी थीम रही है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम रही थी। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, तो ये इसकी थीम रही थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, कितने 7 जून को। बायोडाइवर्सिटी 5 जून को, बायोडाइवर्सिटी 5 जून को मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, चलो कोई नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। कौन सा देश अगस्त 2021 के महीने में संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, मतलब क्या बोला जा रहा है, विच कंट्री विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन बॉडी ऑफ मंथ अगस्त 2021 में। तो समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अच्छा ये पहले बता दें, चलो कोई नहीं। तो ये कौन सा देश करेगा, कौन सा देश 2000 अगस्त 2000 संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो ये देखो, ये क्या होता है, मंथ में एक बार होता है, ठीक है। तो ये कौन सा करेगा, तो ये करेगा अपना प्यारा भारत, प्यारा भारत, इंडिया सदस्य, प्रेजिडेंसी चेंज होगी रहती है, ठीक है। अगस्त मंथ की जो मिली है वो 2021 की, अगस्त मंथ 2021 को किस क्यों मिली है, तो वो अपने प्यारे भारत को मिली है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा देख लेते हैं, देखो इसके अलावा क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके अलावा देखो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो अब जो G7 सम्मिट हुई है, तो अभी USA ने क्या किया, G7 जो सम्मिट थी उसको क्या किया है इसने, मतलब बढ़ा दिया है, जो जून में बैठक होने वाली थी जून में, अब ये बैठक होगी आपकी सितंबर में, ठीक है, अब ये सितंबर में हुई। अब आपको ये बताना है कि जो G7 में कौन कौन से देश भाग लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से देश हैं, और G11 की बात की जा रही है। तो G7 में आपका देखो कनाडा लेता है, कनाडा, ठीक है, आपका USA लेता है, USA हो गया, ठीक है, जापान हो गया, कनाडा USA जापान, कनाडा USA जापान, ठीक है, CUJ कनाडा USA जापान, ठीक है, फिर जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस। तो देखो सुज जीबी, बस ये याद कर लो, हो गए पूरे, इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, एक कंट्री और कौन सी भाग लेती है भाई, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब किसे ऐड करने की बात की जा रही है, तो देखो G7 की जो G11 की बात कर रहे हैं, तो वो साउथ अफ्रीका और इंडिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, G7 में मुझे एक में कन्फ्यूजन है किसे भाग लेते हैं, कल मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है। अब देखो बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट है ऑप्शन है,
तो ये यूएसए का हो गया, ठीक है। सार्बिया क्या है? सार्बिया क्या है जो AIBA है, AIBA वर्ल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन का जो सिप होस्ट कर रहा है, को होस्ट करेगा सार्बिया, ठीक है। और फिर बहरीन, बहरीन क्या कर रहा है? तो बहरीन एशिया वर्ल्ड कप बॉक्सिंग, रसिया की जो एशिया बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कप का जो है, ठीक है, वो होस्ट कर रहा है आपका ये बहरीन, ठीक है। अब बहरीन में क्या है? तो बहरीन में फोर्थ एशियन यूथ पैराग्रेम, फोर्थ एशियन यूथ पैराग्रेम पैरा गेम, ठीक है, ये आपके कहाँ हुए? तो ये भी आपके बहरीन में हुए, ठीक है, बहरीन होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, एशिया पैरा गेम कहाँ हुए? तो एशिया जो, देखो एशिया क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा, एशिया यूथ पूछ ले तो क्वेश्चन बहरीन हो जाएगा, अगर जो एशिया पैरा पूछ ले, तो एशिया पैरा पूछ ले तो आपके चाइना, चाइना के साथियों में, चाइना के शांतियों में हो रहा है, ठीक है, चाइना के शांतियों में होस्ट कर रहा है। अब देखो 2022 लिखा है तो चाइना होंग जोंग है, 2022 लिखा होगा तो 2022 का जो चाइना के होंग जोंग में होगा एशिया पैराग्रोम, ठीक है, पैरागेम। 2026 जापान के नगोया में, 2026 जापान के कहाँ? नगोया में हो गया, तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब रसिया की बात कर लेते हैं, तो देखो रसिया की बात क्या करते हैं, तो जो 12th ब्रिक्स समिट होगी, मतलब जो 12वीं जो 12th ब्रिक्स समिट होगी वो होस्ट कर रहा है अपना प्यारा रसिया, ठीक है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट समिट रसिया होस्ट करेगा, संघाई कॉरपोरेशन का हेड ऑफ स्टेट समिट वो रसिया होस्ट करेगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कितनी बात की जा रही है। तो देखो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया ग्रू बाई इन आर 2019-20। तो देखो क्या बोला जा रहा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन IPEPFO के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में द्वारा बढ़ गया है। तो देखो ये अभी जो EPFO की जो आई है, मतलब उसमें तो अभी देखा गया कि जो औपचारिक निवेश है वो रोजगार, वो 28.6% बढ़ गया है। तो देखो फॉर्मल वर्क का मतलब क्या होता है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब क्या होता है, तो फॉर्मल जो वर्क है उसका मतलब क्या होता है, एक कंपनी होगी जो जब आए जो जॉब हायर करती है, ठीक है, तो उसमें 28.6% की वृद्धि हो गई है कोरोना के चलते टाइम पर, ठीक है। तो 18-19 में जो थी ये, 18-19 में थी ये आपकी 61.12 लाख, अब ये कितनी हो गई है, तो ये 19-20 में हो गई 78.58, ठीक है, इतनी वृद्धि देखने को मिली है। अब देखो 1952 में स्थापना, अक्टूबर 2019 को अपॉइंट सुनील, अब देखो द डाटा फॉर्मल रिफर्स टू वर्क कंपनी हायर्स एम्प्लॉयमेंट अंडर एस्टेब्लिश एग्रीमेंट, ये स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, सेंट्रल प्रेजिडेंट इसके जो मतलब क्या बोलते हैं अध्यक्ष हैं या फिर मतलब जो इसके कमिश्नर हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के, सुनील बैतवाल। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स में है? तो विच डे ऑफ द फॉलोइंग फर्म विच इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF 2020 टेक्नोलॉजी। तो देखो 100 देशों की मतलब उस पर लिस्ट में जो भारत की ये दो कंपनियां जो टॉप पे रही हैं, ठीक है, टॉप पे रही हैं। अब इसका जो हेड है, तो हेड कहाँ है, वर्ल्ड मतलब ये WEFO का हेड है जो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का। इसकी जो अभी दीपिका पादुकोण को कौन सा क्रिस्टल अवार्ड सम्मानित किया गया था, कहाँ किया गया था, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फोर इंडेक्स, अब देखो अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत की जो रैंक रही थी वो 112 रहती, ये रिपोर्ट ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में जो भारत की 2020 में रही थी 76 रही थी। ट्रैवल एंड टूरिज्म में कितनी रही थी 2000
1934 रही थी, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में 2019 में 68 रही थी। इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए महामारी में सुशासन प्रथाओं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? विच डे हु हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल वर्क्स ऑफ ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड द पैनाडामिक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स। मतलब क्या है कि देखो, पैनाडामिक कोरोना के चलते प्रशासन को टाइट करने के लिए, ठीक है, ये तो डीएम को मतलब खुली छूट दे दी गई थी, जहाँ जैसा आप लोग कर पाओ करो, ठीक है। तो ये किसके, गवर्नर की बात प्रशासन की भूमिका डीएम को देखा गया, ठीक है। तो ये जितेंद्र सिंह ने किया। मंत्रालय इनके कौन सा है? तो ये मंत्रालय डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिलीजन, ठीक है। उधमपुर जम्मू कश्मीर इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देख लेते हैं पीयूष गोयल साहब हमारे कौन है? तो पीयूष गोयल जो साहब हैं, ये हमारे कौन है? रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल साहब हमारे क्या हैं? रेल मंत्री। राज्यसभा एमपी महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई। आर के सिंह पावर मिनिस्टर हैं आपके, ऊर्जा मंत्री आपके आर के सिंह हैं। नवी एंड नवीकरण मंत्रालय भी यही देखते हैं, ठीक है। प्रहलाद जोशी आपके कोल माइंस के मिनिस्टर हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। पटेल जी हैं कल्चर एंड द टूरिज्म मिनिस्ट्री देख रहे हैं, कल्चर मतलब संस्कृति और जो टूरिज्म आते जाते हैं उनकी वो मिनिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, पटेल जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंपनी हैज बिकम इंडिया फर्स्ट डॉलर 50 बिलियन रुपीज 11.15 लाख करोड़ कंपनी? कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 बिलियन 11.15 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन गई? तो देखो, ये कौन सी कंपनी बनी है? तो ये हमारी, देखो कौन सी कंपनी बनी है, तो ये बनी है आपकी IRRIL, ठीक है, RIL। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट में अपना बढ़ावा बना दिखाने के लिए, ठीक है, एक कंपनी है। जैसे मतलब एक कंपनी की बात करें तो मार्केट ये शेयर करती है, बढ़ा रहा है, मतलब अपनी, देखो मार्केट में क्या करता है, हर एक चीज़ शेयर करता है, तो वो क्या करता है, अपनी मार्केट में कैपिटलाइज बढ़ा रहा है, मतलब जैसे इस फील्ड में जा रहे तो कैपिटलाइजेशन भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। शेयर इंटू प्राइस बन के बनता है क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन। 11 लाख करोड़ की कंपनी RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी वाली वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट रुकना। हु हैज वॉन द क्वालिटीनेस कंटिनरी कब 2000? किसने क्वालिटी टी एन जेड कॉलिनी कप 2020 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? तो ये अंगद सिंह राणा द्वारा दिया गया, ठीक है। सीट्स के जो ये हैं क्या, सीट्स के न्यू दिल्ली बेस एनजीओ है सीट्स, ठीक है। वर्ल्ड एंटी तंबाकू दे अवार्ड दिया गया था सीट्स को। अभी कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो वर्ल्ड एंटी तम्बाकू अवार्ड दिया गया था, मतलब तम्बाकू छोड़ाने के लिए, ठीक है। जावेद अख्तर को क्या दिया गया? जावेद अख्तर साहब को अभी रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पहले भारतीय बने, ठीक है। कृतिका पांडे को मिला था अभी 2020 का कॉमनवेल्थ सॉल्ट स्टोरी का प्राइस मिला था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हिरंदनी मेमोरियल रोलिंग्स ट्रॉफी 2021 का जो मिला है, ठीक है। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है, सीट्स को वर्ल्ड नो तम्बाकू डे अवार्ड 2020 को, कृतिका पांडे 2020 को कॉमनवेल्थ सॉल्ट स्टोरी प्राइज, एशिया द स्टोरी ऑफ द ग्रेट इंडियन एंड द टी स्नैक, ये अवार्ड मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर IBI हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द एडवाइजरी कमेटी एंड द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंस रिसोल्यूशन एंड द लिक्विडेशन प्रोसेस, हु इज द चेयरमैन? मतलब क्या बोला जा रहा है? गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, प्लीज़ वीडियो को अगर जो अच्छा लगे तो शेयर लाइक करते जाइएगा। तो देखो, दिवाला नियामक IBBI ने कॉरपोरेट
इंसोल्वेंसी रेजुलेशन एंड द लिक्विड प्रक्रिया द्वारा सलाहकार सीमांत का पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन है? तो ये इसके अध्यक्ष है जो आपके, तो IBBI के जो अध्यक्ष का नाम क्या है, देखो बात कर लेते हैं। IBBI का जो हेड है वो हेड कहाँ है आपका, तो इसका जो हेड है, जो इसके हेड हैं, तो एम एस साहू है। इसके हेड कौन है, तो MS साहू है, ठीक है। एक कमेटी बनाए कॉरपोरेट की, ठीक है। चेयरमैन इसके उदय कोटक हैं, तो ये काम कैसे करती है, देखो कोड, अगर कोई कंपनी माने जैसे दिवालिया वगैरह हो रही है, ठीक है, तो जो मत अपने क्या होता है कि ये दिवालिया हो रही है तो इसे बेच दो, तो इन्होंने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है, जो अपनी है भाई वो कंपनी अपनी है, ठीक है, तो उसे बेचने की जगह उसमें ऐसा कोई चार्टेड अकाउंटेंट रखो, अगर जो उसमें प्रॉफिट हो गया चार्टेड अकाउंटेंट रखो, अगर जो उसमें कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर जो नहीं हो रहा है तो फिर बेच के बाहर जो मतलब खड़े उनको पैसे दे देंगे, मतलब जो जिनसे लोन ले रखा है जो कुछ भी है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। 15 फाइनेंस चेयर पर्सन का नाम क्या है, तो 15 फाइनेंस पर्सन का नाम, चेयर पर्सन का नाम है एन के सिंह है। डिफेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हेड एन के सिंह है, ठीक है, इसके भी हेड कौन है, एन के सिंह, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स के हेड कौन है, संजीव पुरी किसके हेड है, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के हेड है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के हेड है संजीव पुरी, ठीक है। फिल्म मीडिया यूनिट के बिमल जुल्का, फिल्म इंडिया यूनिट के बिमल जुल्का, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक्सपोर्ट्स कमेटी एंड द रिजोल्यूशन फिल्म मीडिया रॉज, तो ये बिमल मिल्का है, ठीक है। विद अ व्यू ऑफ रिफॉर्म ड्रग रेगुलेटिंग सेंट्रल, तो ये किसके, राजेश भूषण द्वारा। फाइव मेंबरशिप ग्रुप डिफेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी, तो एन के सिंह। कमेटी टू रिव्यू फिजिकल्स कंसिडर रेड मैप, एन के सिंह, ये भी हाई लेवल एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये भी संजीव पुरी द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिवर्सल सोमयोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ किस बैंक ने COVID-19 स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, तो ये किसने, कर्नाटक बैंक द्वारा चालू किया गया, इतना इंपॉर्टेंट रहा था, ज़्यादा नहीं। शेख रियार मोदी विश्व के सितारे शारजहाँ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संतरंज चैंपियनशिप है किस देश का है, तो किस देश का है, तो ये अजरबैजान। बाकू कैपिटल इसकी रहेगी आपकी बाकू, करेंसी रहेगी मनक, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल बात कर लें तो वेनेटर और करेंसी डॉलर। स्पेन की बात कर लें तो स्पेन की जो कैपिटल है वो आपकी मैड्रिड, करेंसी यूरो है, ठीक है। मलावी की बात करें तो मलावी की कैपिटल आपकी लिलोंगवे है, करेंसी कुआचा है। घाना की बात करें तो घाना की जो कैपिटल अकरा है, करेंसी सीडी है, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो IIT गांधी ने अभी डेवलप्ड किया एंट्री शिफ्ट डैशबोर्ड MIRHAD, तो देखो MI अब इम्पोर्टेंट क्या बनेगा हमारे लिए,